पहले देश में कारोबारियों को जंगल के कानूनों और कानूनों के जंगल दोनों से जूझना पड़ता था। और शायद प्रवीण को याद होगा, जब पिछली बार मुझे 2014 में आप लोगों ने बुलाया था, तब तो मैं प्रधानमंत्री नहीं था, उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहा था और उसके कुछ ही दिन बाद शायद चुनाव होना था और श्री फोर्ट में शायद मुझे बुलाया था। देशभर से व्यापारी आते थे, संख्या बहुत कम थी, क्योंकि स्वाभाविक है यार, मोदी के कार्यक्रम में जाएंगे और फोटो निकाल देगा कोई और पता नहीं कोई मार देगा तो इनकम टैक्स की रेड पड़ जाएगी। तो आने से लोग डरते डरते, लेकिन आए थे, थोड़े बहुत आए थे। लेकिन उस दिन मैंने कहा था, याद होगा शायद आपको, और मैंने पहली बार आप ही के मंच पर एक बात कही थी और मैंने कहा था कि एक ऐसी सरकार है देश में जो नए नए कानून बनाने का लिए उछलती है। मैंने ये कानून बनाया, मैंने वो कानून बनाया, मैंने टिकना, ऐसा ऐसा ही आता था ना पहले कि हमारी सरकार ने ये कानून बनाया, यही कहते रहते थे। मैंने कहा मैं आऊंगा तो हर दिन एक कानून खत्म करूंगा। अच्छा, सामान्य रूप से ये जो हमारी बिरादरी है, हमारी जो जमात है, उसकी इज्जत ऐसी है कि चुनाव में हम जो बोलते हैं, हमारी बिरादरी बोलती है, वो चाहती है कि लोग जल्दी से जल्दी भूल जाए। लेकिन मैं अपवाद हूं, मैं जो बोला था खुद आकर के याद करा रहा हूं। और आपको खुशी होगी, 5 साल में 1500 कानून खत्म किए, 1500। इतना ही नहीं, हम जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर आज दुनिया में भारत का नाम रोशन हुआ है, लेकिन मेरा मकसद ईज ऑफ लिविंग का है। और ईज ऑफ लिविंग का मतलब है देश हमारा, सरकार हमारी और नागरिक को कुछ भी पाना हो तो जद्दोजहद करनी पड़ती है, जूझना पड़ता है, सरकार के सामने हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं। ये क्या लोकतंत्र है क्या? देश आपका, सरकार आपकी और आपको ऐसे जीना पड़े, ये मुझे खटकता है जी। अब आपने देखा हो कि उस दिशा में हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। वैसे अभी भरतीय जी बड़ा विस्तार से, बड़े ढंग से, अच्छे ढंग से समझा रहे थे। देखिए, दुनिया भर के फॉर्म आपने देखा, हमने खत्म कर दिए हैं, सरलता ला रहे हैं। पहले आपको रिटर्न के लिए दर्जनों फॉर्म भरने पड़ते थे, अब ये घटाकर 3 और 4 पर हम ले आए हैं। पहले हमारे देश में जी ऐसा, ये जो सरकार में बैठे हैं जैसे वही अकेले ईमानदार है, चाहे नेता हो या बाबू हो, ऐसी इंप्रेशन थी, बाकी सब चोर। देश ऐसे नहीं चलता है जी। लेकिन ये चोरों का खेल इसलिए रहता है कि इतना स्प्रेड हो जाए ताकि खुद बच जाए। आप मुझे बताइए, किसी बच्चे को स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेना है और उसके सर्टिफिकेट को सर्टिफाई करना पड़ता है, तो वो किसी नेता के घर के बाहर बेचारा सुबह 7 बजे कतार में बैठ जाता है, किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल के अफसर के यहां बैठ जाता है, साहब जरा थप्पा मार दीजिए ना, साहब का तो मुंह देखने को मिलता नहीं, वो क्यों बैठता है, उसका साथीदार
वो बाद में वो भी 2-5 रुपया तो मार ही लेता है। मैंने आके नियम बनाया, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप सेल्फ सर्टिफाई कर दीजिए, लास्ट मोमेंट जाना होगा जो ओरिजिनल दिखा दीजिए। अरे देश के नागरिक पर भरोसा करो भाई। आपने यहां भी आपके व्यापारियों के लिए भी मैंने सेल्फ सर्टिफिकेशन को मंजूर कर दिया है जी। देखिए इंसान मान सम्मान उसके जीवन में बहुत बड़ी चीज होती है। अब आप देखिए कभी कभी को लोग कहते हैं, आप देखिए कितना ही बड़ा धनी व्यक्ति हो, उसके घर में किचन में काम करने वाले 50 लोग हो, जो चाहे दुनिया की वैरायटी बना करके उसको खिला सकते हो, पैसे हो, लेकिन किसी परिचित के यहां शादी हो और उसको निमंत्रण न मिले, खाने के लिए कोई न बुलाए, तो उसका नींद उड़ जाती कि नहीं? उसके घर में खाना नहीं, ऐसा नहीं है, सवाल इज्जत का होता है। हमारे देश में विशेष करके व्यापारी आलम को मान सम्मान और इज्जत देने में जाने अनजाने में या तो इरादा पूर्वक सरकारी व्यवस्थाओं में कमी रही है, और उसके लिए जिम्मेवार पुरानी सरकारों का नेतृत्व करने वाले लोग रहे हैं, क्योंकि उनके सोच में रहा है कि व्यापारियों को गाली दो, बाकियों को खुश कर लो, ये तरीका बन गया। अब छोटी छोटी गलतियों के लिए कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि इन्हें अब अपनी आसान प्रक्रियाओं में सुधारा जा रहा है। सेल टैक्स में ऑनलाइन प्रक्रिया से फॉर्म भरने का झंझट खत्म हो गया।